गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। चैप्टर 2 है, इसका नाम है ईदगाह और उसका साहित्य प्रकार है कहानी और उसके राइटर है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वो नवाब राव नाम के उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की निकट की है। ऐसी एक कहानी है ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इनमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने के विवेकपूर्ण बुद्धिमता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। रमजान, इस कहानी ऐसी है कि रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है। थोड़ी शॉर्ट में स्टोरी सुनाती हूँ। तो रमजान का पूरा महीना रोजे होते हैं और रोजो यानी उपवास होते हैं उसमें, और बाद में लास्ट का जो दिन होता है वो ईद यानी खाना पीना, घूमना मिल फिरना और मेला लगता है। तो इसी मेले में जाने के लिए गांव के सभी लोग उत्सुक हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो रोजे होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो त्यौहार ही है। सवेरे सब उठ जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। किसी के सर में बटन नहीं है तो किसी के पैरों में जूते के लिए तेली के पास भेजा जाता है। ऐसी जल्दी जल्दी हड़बड़ी मची हुई है। बाद में अमीना है दूसरा पात्र, हामिद और अमीना भी इसमें है। हामिद ये छोटा लड़का है जिसके पापा माँ बाप गुजर गए हैं, और बूढ़ी दादी जो अमीना है वही उसका पालन पोषण करती है। दादी है लेकिन दादी की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो उसे जो भी चीज़ चाहे वो उसे ला सके। दादी मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण करती है। जो पैसे वाले हैं उनके जेबें तो पैसों से भरी हुई है, लेकिन आज ईद के दिन भी अमीना के पास पैसे नहीं हैं। अमीना बहुत अपने आप को भाग्यहीन समझती है कि आज त्यौहार है और उसके घर में दाना भी नहीं है। वो अपने आप को कोस रही है, लेकिन जो बाल हामिद है वो बहुत खुश है। वो अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है, घूमता। पहले तो ईदगाह होता है, वहाँ पे जाते हैं, सबसे गले भी मिलते हैं। नमाज के बाद सबसे गले मिलने के बाद मेला लगा हुआ होता है, वहाँ पे जाते हैं। अनेक दुकानें हैं, अनेक मिठाइयाँ हैं वो देखता है, लेकिन वो बहुत सब चीज़ें छोड़कर एक जो लोहे की चीज़ें बनाकर बेचती हुई जो दुकान थी वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पर से एक चिमटा खरीदता है। देखो वो चिमटा क्यों खरीदता है, तो वो देखता है रोज़ कि दादी जब चूल्हे में रोटी सेकती है तो उनका हाथ जल जाता है। सब बच्चे ने खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाई, हिंडोले में बैठे, लेकिन उसने चिमटा खरीदा और शाम को घर आकर दादी को दिखाया तो
तो दादी ने छाती पीट ली। क्यों छाती पीट ली? तो उन्होंने देखा कि पूरे दिन भूखा रहा, कुछ भी खाया पिया नहीं, और अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर आया। देखो वो बालक है, लेकिन उन्होंने अपनी बाल सहज बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने एक जरूरी चीज़ खरीदी, बाल जो घर उपयोगी चीज़ वस्तु है, इससे दादी अपनी छाती पीट लेती है। तो चैप्टर हम देखेंगे कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। रमज़ान मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, जैसे हिंदू धर्म में श्रावण मास होता है जो पवित्र माना जाता है, उसमें सब उपवास रखते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम लोग हैं उनका 9वां महीना ये रमज़ान होता है और ईद उसका लास्ट डे होता है जिसे मेला लगता है। ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। तो पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी सुंदर, सुहावना यानी रमणीय, और प्रभात यानी सवेरा प्रातःकाल। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, गांव में चहल पहल लगी हुई है, सबको जल्दी जल्दी ईद जाने की, ईद मेले में जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में से सुई धागा मांगा जाता है, तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसे तेल डालने के लिए तेली के पास दौड़ाकर भेजा जाता है। ईदगाह में लौटते लौटते फिर बैलों को सानी पानी देकर तैयार करने को कहा जाता है। सानी यानी चारा जो होता है बैलों का, वो जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देते ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, और शाम होते तक फिर वापस लौटना। कितने प्रसन्न है ये सब लोग। किसी ने एक रोज़ा रखा है तो किसी ने दोपहर तक का, तो किसी ने बिल्कुल भी नहीं, आधा आधा रोज़ा किसी ने रखा है, लेकिन किसी ने तो कुछ भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। ईदगाह बूढ़े बड़ों के रोज़ा बूढ़े लोगों के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो वो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते और आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का खजाना पड़ा है, कुबेर का धन पड़ा भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर रख देते हैं। महमूद है ना ये पूरा, कि जल्दी जल्दी दोपहर तक जाना है और फिर वापस भी आना है, तो बैलों को तैयार किया जाता है। बूढ़े लोग हो उन्होंने तो रोजे रखे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं बच्चे के लिए तो आज ईद है। किसी ने दोपहर तक का रखा है तो किसी ने बिल्कुल रोज़ा भी नहीं रखा। लोगों की जेबों में तो कुबेर का धन, यानी जो पैसे वाले कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं, तो उनके जेबों में तो धन भरा हुआ, उनके जो पॉकेट है वो पैसों से भरे हुए होते हैं। वैसे है मोहम्मद, महमूद और मोहसिन। तो महमूद है वो पैसे जेब से निकालता है, गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 8, 9, 11, 15 पैसे हैं। इन्हीं अगिनत पैसों से अगिनत चीज़ें वो लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। महमूद मुंशी अपने जेबों में से पैसे निकालते हैं, गिनते हैं और बाद में प्रसन्न होकर फिर वापस रख देते हैं। इन पैसों से, अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाई जाएगी, क्योंकि मेले में तो सब कुछ, वहाँ पे स्टॉल सब लगी हुई होगी तो सब चीज़ें खरीदेंगे,
मिठाइयाँ खाएंगे, खिलौने खरीदेंगे, तो वो बहुत सब प्रसन्न है। लेकिन उन सब में सबसे अधिक प्रसन्न है वो है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट, हैजा एक प्रकार का रोग है, संक्रामक रोग, जिसे कोलेरा भी बोलते हैं। तो उसमें उसके पापा की मृत्यु हो गई, जिसके कारण और उसके बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। मम्मी पापा नहीं है, लेकिन वो अपनी दादी के साथ रहता है और वह खुश भी है। हामिद के माता पिता नहीं है, बूढ़ी दादी ही उसका पालन पोषण करती है, जिसके का और हामिद गरीब है, उसकी दादी जो है वो गरीब है। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। गोटा सुनहरे या रूफले तारों से गुथी हुई डिज़ाइन जो टोपी के ऊपर के भाग में होती है, लेकिन यह भी अब कैसी हो गई है, काली हो गई है। सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। कुछ भी चीज़ें उसके पास है, लेकिन वह अपना खुश है। अभ्यागिन हम अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। जो अमीना हामिद की दादी है, वो अपने रूम में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। ईद है, त्यौहार है, लेकिन उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निकोड़ी ईद को? देखो, त्यौहार है, पैसे नहीं है, सब खूब प्रसन्न खुश है, लेकिन अमीना निराशा और अंधकार में डूबी हुई ये ईद जो आई है उसको कोस रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है, दिल में वो दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। जो गांव से लोग सब जा रहे हैं मेले में, तो उसमें सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना है, क्योंकि उसके माँ बाप तो है नहीं, तो अमीना ही हामिद का बाप है। अमीना के सिवाय उसका कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले जाने दे, क्योंकि मेला लगा है, भीड़ भाड़ है। अगर भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, प्रश्न है ना, बहुत भीड़ होगी, और उसमें अकेला उसे अगर भेजा तो वो खो गया तो नहीं। अमीना उसे क्यों न जाने देगी, नन्ही सी जान, तीन कोस कैसे चलेगा। अब हम किलोमीटर से रेंज मापते हैं, तो ये कोस है, ये पुराने समय में उसे ऐसे किलोमीटर अंतर मापा जाता था। तो तीन कोस का रास्ता है और पैदल जाना है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, तो ये लड़का कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते तो नहीं है, केवल दो आने पैसे बचे हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में है और पांच अमीना के बटुए में। यही है बिसात और आज ईद है। बिसात यानी हैसियत, आज उसकी हैसियत पांच ही पैसे, तीन पैसे हामिद के पास है और पांच पैसे अमीना के पास में, यही उनकी हैसियत है। और आज क्या है, ईद है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना। आज ये जो संकट है, इस संकट से अल्लाह यानी भगवान ही बचा सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, हम यहाँ तक की स्टोरी आज सुनेंगे, इसके बाद की स्टोरी हम कल सुनेंगे। तो इसके मीनिंग्स है, शब्दार्थ है, ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह, रमजान मुसलमानी वर्ष का नौवां महीना, रोजा यानी उपवास, मनोहर सुंदर, सुहावना यानी रमणीय, प्रभात प्रातःकाल सवेरा, सानी चारे की सामग्री जिसमें पानी से सानकर पशुओं को खिलाया जाता है, कुबेर जो धन के देवता है, सूरत यानी चेहरा, अनगिनत जिसे गिना न जा सके, हैजा एक भयंकर संक्रामक रोग जिसे कोलेरा भी बोलते हैं,
गोटा सुनहले या रूप हले तारों से गुथी हुई डिजाइन। निगोड़ी, निगोड़ी यानी दुष्ट। बटुआ, पैसे रखने की छोटी थैली। विशाल, औकात हैसियत। मुहावरे है, हैजे की भेंट होना, हैजे की बीमारी से मरना। दिल कचोटना, दिल में दुख होना, और बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। तो ये सेकेंड चैप्टर है, ये आप लोगों को पूरा बुक में पढ़ना है, और इसके नेक्स्ट कल भी पढ़ना है, और इसके बाद की जो स्टोरी है वो हम कल सुनेंगे। थैंक यू।